नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक के अनिल। दोस्तों आपके यहाँ पे एक स्मोक इफेक्ट आपने पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, एक बार फिर से आप इस स्मोक के इफेक्ट को देख लीजिए। हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसे स्मोक इफेक्ट अपने टेक्स्ट के लिए कैसे क्रिएट किया जाए। तो चलिए दोस्तों आप इस स्मोक इफेक्ट को देख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने स्मोक इफेक्ट देख लिया, तो इसी तरह का स्मोक इफेक्ट अपने मोबाइल में अपने डिवाइस के लिए या अपने चैनल के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपको ऐसे स्मोक टेक्स्ट इफेक्ट आपको देना है, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। इसके लिए आपको सिंपली एक काइनमास्टर का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहीं से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद आपको इसका बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करके बैकग्राउंड आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर का सेलेक्ट करके मैं आगे किस है, तो यहाँ पे 4 सेकेंड है इसका, 9 या 10 सेकेंड तक हमको इसका ड्यूरेशन रख देना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली स्ट्रेच आउट कर देना है। देखिए 8 सेकेंड का मैंने ले लिया, आप 8 या 9 सेकंड तक आप ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा आगे आके आपको एक टेक्स्ट ले लेना है। जो भी टेक्स्ट आप अपने लिए डालना चाहते हो, तो उस टेक्स्ट को आपको ले लेना है। उसके बाद थोड़ा सा रिसाइज इसको कर देना। उसके बाद आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट का कलर भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एंड तक ड्रैग कर लेना है। उसके बाद आपको कलरिंग करना है तो कलरिंग भी करा सकते हो, और कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाना है तो इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। दोस्तों वो आप पे डिपेंड है कि आप अपने टेक्स्ट को कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरा टेक्स्ट तो सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए टेक्स्ट तो हो गया मेरा, और इसका जो इन एनिमेशन है दोस्तों, इन एनिमेशन आपको रखना है वाइप राइट। जी हाँ दोस्तों, जैसे टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे आपको एनिमेशन इफेक्ट में जाना है, और इन एनिमेशन को आपको वाइट राइट पे कर देना, और उसकी थोड़ी सी स्पीड कम कर देनी, मतलब 2.5-3 के नज़दीक ले लेना, थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ तो सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद अगला आता है दोस्तों इसको इफेक्ट कैसे दिए। उसके बाद आपको जाना है सिंपली इफेक्ट में, और इफेक्ट में जाने के बाद गैशियन ब्लर को आपको सेलेक्ट कर लेना। गैशियन ब्लर को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे उसको आपको क्रॉप कर लेना हर टेक्स्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे मुझे पहले टी को सेलेक्ट करना है, सही है, तो टी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वहाँ पे जो की का साइन आ रहा है दोस्तों, की पे आपको क्लिक कर लेना। वैसे आपको आगे 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 करते हुए जाना है। देखिए हमने यहाँ पे की पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट आ गया। तो उसके बाद हमको ई पे वही ब्लर गैशियन ब्लर को सेलेक्ट करके लेके आना है। तो मैं यहाँ पे ई पे भी ला के दिखाता हूँ आपका, आपको देखिए उसको यहाँ पे टी पे आ गया। तो इसके बाद आपको इतने में उसको यहाँ पे ला के और एग्जैक्टली टी के ऊपर रख के वो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। तो की के ऊपर ऐसे ही कर दे आपको कम्प्लीटली, जितना भी आपके वर्ड्स हैं ना दोस्तों, सारे वर्ड्स के ऊपर यही चीज़ें आपको कर लेनी है। मैं जैसे एक बार सारी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे करके ले लेता हूँ, उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, उसके बाद आपको उसके जो ब्लरिंग लास्ट लाइन में है ना, उससे भी हटा के वो कॉर्नर पे सेट करा देना। एक बार मैं फिर से आपको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एल के ऊपर है, उसको एल के ऊपर से रिमूव करके एक बार फिर से की पे क्लिक कर देना। इतना होने के बाद दोस्तों आपका ये एक और चीज़ कंप्लीट हो चुका। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ाते हैं इसका जो, तो दोस्तों इसके बाद आपको एक इफेक्ट डाल लेना अपने लेयर में। तो जैसे इफेक्ट में जाऊँगा, गेट मोर इफेक्ट पे आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके अंदर आपको वेव वॉर्प 2.0 इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे डिवाइस पे इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर लिया, तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पे इसका यहाँ पे ओपन कर लूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको ड्रैग करते एंड टेक्स्ट तक आपको लेके जाना है दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे इसको एंड टेक्स्ट तक लेके चले गए। उसके बाद इसके फेदर शेप वगैरह आपको
सेम रखना है। जैसे कि हमने एक इफेक्ट में किया था दोस्तों, सेम उसी तरीके से आपको इस चीज़ में भी वो टेक्स्ट पे, हर एक टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके वो की को प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे पूरा ये स्टेप्स को कंप्लीट करके आपको एक बार आगे बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ भी हो चुका अपना। तो उसके बाद हमारा आता है मेन चीज़ दोस्तों, मेन जो चीज़ है उसी को हमको इसमें ऐड कर लेना। ये देखिए हमारा टेक्स्ट तो एक स्मूथ इन वे पे एनिमेशन इफेक्ट हो चुका है। तो इसके ऊपर हमको क्या ऐड करना है, जो स्मोक इफेक्ट हमको चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं ये दो स्मोक इफेक्ट दिया है यहाँ पे, वो दोनों का मैं डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहीं से आपको इनको डाउनलोड कर सकते हो। इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है ना, ब्लेंडिंग पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन ब्लेंड आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्क्रीन ब्लेंडिंग सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा स्मोक इफेक्ट तो हो चुका है दोस्तों, अभी पहला स्मोक इफेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वो आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपको सेलेक्ट सेकंड वाला भी सेलेक्ट कर लेना अपनी गैलरी से, मैं यहाँ पे सेकंड वाला भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी भी साइज़ हमको प्रॉपरली एडजस्ट करा लेना। और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके स्क्रीन पे सेलेक्ट कर लेना। देखिए दोस्तों, हमारा ये स्मोक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा करके सेंटर में ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों एकदम स्मूथ इन हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना स्मोक इफेक्ट अपने वीडियो में डाल सकते हो दोस्तों। तो इन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, ताकि जब भी हम ऐसे नए वीडियो अपलोड करें तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।